हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में हम करने वाले हैं, आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक, और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आप लोगों को कल मैंने बताया था पेंडेंट के बारे में, और आज सुबह पिरामिड के बारे में बताया है आपको। तो आप लोग इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे करवाइए। ठीक है, क्योंकि ये जो पेंडेंट है ये एक्टिवेट हो रहा है और सावन का महीना है। बाबा की कृपा से आप सबको, आप लोगों का प्यार मिलेगा। देखिए, ये जो पेंडेंट है एवेलाई, ये आपकी बहुत तरीके से रक्षा करता है। मैंने कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट किया है कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। ये आपको निगेटिविटी से दूर रखता है, आपको आपका एक्सीडेंट होने से बचाता है, ये आपका मन फोकस करता है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस, प्रोस्पैरिटी, अबंडेंस लेकर के आता है। ठीक, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को यही कहूँगी कि आपको ये जो है अपने गले में, या आप इसका ब्रेसलेट जो है ले सकते हैं जो कि एक्टिवेटेड होता है मेरे पास। ठीक, ये जो प्यारा सा पेंडेंट है जो आप लोग देख रहे हो, प्यारा सा पेंडेंट, ये आप लोग गले में डालो। देखो, दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपकी एक जो कहते हैं ना कि रक्षा कवच है ना, आपके लिए एक रक्षा कवच की तरह काम भी करेगा। तो आपको ज़रूर लेना चाहिए ये जो पेंडेंट है या इसका जो ब्रेसलेट है। ठीक, क्योंकि क्या होता है ना कि लाइफ में हमें जब सक्सेस मिलती है ना तो लोगों की नज़रें गड़ जाती हैं, हमारे दुश्मन बढ़ जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये काम करता है, आपकी रक्षा करता है। ठीक है, आपकी दुश्मनों से आपकी रक्षा करता है और आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, आप जहाँ जाते हो नज़रें फोकस करता है। तो एक एक जो है ना इसका बेनिफिट ये है एवेलाई, है ना। तो अगर आप इसका ब्रेसलेट लेना चाहते हैं या पेंडेंट लेना चाहते हैं, ये वाला ज़रूर लीजिए। आप अपने बच्चों को पहनाइए, बच्चों को बहुत बुरी नज़र लगती है ना, तो बच्चों को पहनाना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, है ना। कोई भी प्यारा बच्चा है, स्टडी में आगे है, किसी का भी प्यारा बच्चा होगा, है ना, कोई भी बच्चे के ऊपर नज़र डाल देता है और कहता है यार तुम्हारा बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, और उसको क्या होती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आप अपने बच्चे को भी पहनाइए, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उनको पहनाइए और खुद भी पहनिए एवल आई ब्रेसलेट या पेंडेंट। ठीक है, इसको आप पर्स में भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहने हो। ठीक है, आप इसका ब्रेसलेट लो या पेंडेंट ही लो, लेकिन आप इसको जो है ना ये अपने पर्स में रखो। ठीक है, पहन नहीं सकते तो आप इसको पर्स में रखो, पर्स में रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, गाइड करें। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, इतने कार्ड्स रन देते हैं, अब बारी है आपकी। अब आपकी बारी है ना, आपके लिए भी तो कार्ड्स निकालने हैं मुझे। ओके, थ्री कार्ड्स निकालते हैं, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, द फूल। लगता है कि आप बहुत उपाय करते करते थक गए हो, बहुत ज़्यादा कुछ आप करते करते थक गए हो,
और अब आपको लगने लगा है कि यार इतने उपाय, इतना कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, लाइफ में बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपने ईश्वर के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है, आपने सब कुछ सौंप दिया है कि अब ईश्वर तू समझ। क्योंकि महादेव है ना, मैंने आपको आज महादेव की पूजा करने के लिए कही थी, गौरी शंकर की पूजा करने के लिए कही थी, और अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आपसे कहा था कैसे वरदान या कहे तो अपनी मनोकामना के लिए अपना जो भी है वो रखना है उनके सामने। तो यहाँ पे यही दिख रहा है द फूल की एनर्जी, आपने पूरी तरीके से अपने गॉड को सौंप दिया है, जो भी आपके गॉड हैं आपके धर्म के अनुसार, ठीक है, आपने उनके ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है, यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर दिया है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओफो, आपको मिला है धोखा। ठीक है, आपको मिला है यहाँ पे धोखा, आपके पीठ में खंजर घोपे गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ने तकलीफ दे दिया है, आपके पार्टनर ने ही आपकी यहाँ पे ये हालत करी है एकदम से। देख रहे हो यहाँ पे दो खंजर हैं, ठीक है, खंजर यहाँ पे है जो कि खून में लथपथ है ना। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर ने तो आपको मार दिया, आपको तकलीफ दी, आप रोए भी हो गए, आप बहुत ज़्यादा, मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत कुछ सहा है। और यहाँ पे अब एनर्जी यहाँ पे आपकी ये है द फूल की एनर्जी, है ना। तो आपकी एनर्जी के अनुसार से बड़े तकलीफ में मुझे दिख रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कर्मा होता है अपना अपना सबका। चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ कप्स। आपको जब आपके पार्टनर मिले थे ना, उस समय की बहुत ही ज़्यादा आपकी यादें हैं, आपके सपने, जैसे कि बहुत ही दोनों के बीच में रोमांस हुआ करता था, बहुत ही दोनों के बीच में प्यार हुआ करता था, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते थे और आप भी उनसे बहुत प्यार करते थे, ऐसा जैसे कि सपनों का सौदागर, सपनों की राजकुमारी मिल गई हो, उस तरीके का प्यार, उस तरीके की इमोशंस, फीलिंग्स है ना रही, और डीप कनेक्शन मुझे दिख रहा है, डीपली आप दोनों एक दूसरे के साथ डीपली जाते हुए दिखाई दे रहे हो, डीप एक दूसरे के लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आप जब अपने पार्टनर से मिले तभी आपको लगा कि पता नहीं क्या है इसके अंदर, आप अचानक से उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगे, अपने पार्टनर की तरफ आपने ट्रू लव किया, यहाँ पे ट्रूली लव किया, ठीक है, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट भी किया था पहले कि आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो जो ट्रू लव है वो आपको मिले, और आपको ट्रू लव मिला भी। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी के अनुसार से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन ये पर्सन के अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, आप दोनों के प्यार में अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा था, आपके पार्टनर बिना कुछ सोचे समझे मैच्योर नहीं इंसान दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन मुझे, मैच्योरिटी इनके अंदर नहीं है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ने बिना कुछ सोचे समझे आपका दिल तोड़ दिया है ना, आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, क्योंकि इनका अग्रेसिव नेचर जो है ना, इनको मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा इनके जलते हुए दुखते हुए घाव पे हाथ रख दो उसके बाद देखो इनका तो और ज़्यादा फूटेगा, ठीक। तो यहाँ पे वही हुआ है, यहाँ पे बहुत दर्द तकलीफें झेली गई हैं, आपने बहुत झेली हैं, और अभी आपको इंतज़ार है कि ये पर्सन सब कुछ भुला करके मेरी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आपको कोई दूसरा नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, आपको कोई दूसरा अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, आपने एक अंदर से जो है ना अंदर से फील किया है कि अंदर से फील किया है अपने पार्टनर के लिए, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए अंदर से फील किया है कि आपके पार्टनर आपके तरफ आगे बढ़े, ठीक है, मतलब आपने मैनिफेस्ट किया है, अभी भी आप मैनिफेस्ट करते हो, आपने रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लिया है और आपको सही तरीके का यूज़ करना है उसको पता है, ठीक है, मैं भी रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट देती हूँ तो उसको यूज़ करने का तरीका अलग होता है जो कि मैं बताती हूँ, ठीक। तो जो लोग लेना चाह रहे हैं, जैसे कि देखो रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है ना, अब इसको आपके को मैं क्या करती हूँ कि आपको मैं दे देती हूँ, लेकिन इसको क्या होता है कि कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है,
मैं उन लोगों को पर वीक क्या करना है या किस दिन इसको क्या करना है, ठीक है, इसका भी डे होता है, इसको किस दिन क्या करना है ये मैं बताती हूँ, लोगों को एक्टिवेट करना सिखाती हूँ। एक्टिवेट जो है मैं यहाँ से करके भेजती हूँ और फिर उनको बोलती हूँ कि मैं दूसरा तरीका उनको देती हूँ एक्टिवेट करने का, ठीक है, उनको बोलती हूँ एक्टिवेट करना है, ठीक है, अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस के द्वारा, और इसलिए उन सबको रिजल्ट मिलता है, उन सबको रिजल्ट मिलता है। अगर मेरे व्यूअर कोई है, मेरे जो मेरे से जिन्होंने स्टोन लिया है ये रोज़ क्वार्ट्ज़ का, अभी तक आपको नहीं मिला है रिजल्ट, तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे जो है ये जो आपके पार्टनर है यहाँ पे इसी से अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप इसी उम्मीद में बैठे हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो ये है, चलिए ये है आपकी एनर्जी। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी को देखूंगी कि ये किससे और क्या बातें कर रहे थे। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइन किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, टेन ऑफ कप्स, ओके, सेवन ऑफ वैंड्स एंड लास्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे दिखता है आपके कार्ड्स में, देखिए कार्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। देखिए आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं, वो धोखा जो इन्होंने दिया उस धोखे के बारे में इनको याद है और ये जो है उसके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं किसी अपने ऐसे दोस्त से जो कि इनका कहते हैं ना कि बचपन का दोस्त हो सकता है या कोई पुराना दोस्त हो सकता है, उस पर्सन से ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, एकदम से दोस्त ऐसा है जो कि फैमिली के साथ भी काफ़ी घुला मिला है, ठीक है, ओके। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का जो रिश्ता है देखिए आपके जो पार्टनर है ना आपके साथ इस रिश्ते को, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने क्या क्या फील किया, ठीक है, और आपका साथ कैसे कैसे छोड़ा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन बोल रहे हैं कि यार प्यार करने में ना मेरे में कमी थी ना उसके अंदर कोई कमी थी, प्यार में कोई कमी नहीं रही, मैं प्यार जो है उससे बहुत करता था, शायद करता था, और मैं जो है उससे अभी भी प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए एक ऐसी उसके लिए एक ऐसी फीलिंग रखता हूँ ना जो कि मेरे दिल में मेरे मन में बस और बस वो है, बाकी कोई नहीं है, मेरे मन में मेरे दिल में बस वो है, मेरी फीलिंग्स मेरे इमोशंस को सिर्फ मैं समझता हूँ, मैंने उसको तकलीफ दी, उसको धोखा दिया, उसको इग्नोर किया, उसके कॉल को इग्नोर किया जब मुझे उसका साथ नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं भी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा था, मुझे भी चाहिए था कि मेरी भी लाइफ में जो मेरे सपने हैं वो मेरे पूरे हों, और कहीं ना कहीं वो बीच में आ रही थी या आ रहा था, फैमिली आ रही थी, मैं क्या करूँ, मेरे सपने मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे और मैंने उसके साथ गलत किया है, अब मुझे रियलाइज़ होता है, अब मुझे लगता है कि यार इतना भी सेल्फिश बनना सही नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत डीपली सोचा, रात भर मुझे नींद नहीं आती है, कभी कभी जब उसकी इतनी याद आती है कि मुझे रात में सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उस दौरान मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं कितना
कितना बड़ा, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। सच में मैंने गलती करी है, मुझे रियलाइज होता है कि मैंने इतना गलत काम किया है कि उसकी कोई हद नहीं है। उसने मुझसे लाख कांटेक्ट करने की कोशिश की, लाख बार मुझे मैसेज किया, कॉल किए, बट मैंने हमेशा इग्नोर किया उसको, हमेशा इग्नोर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद मैं अपना टाइम उसको दे रहा हूँ, उसमें मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा हूँ। मैंने जो सपने देखे थे अपने जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी आने की, है ना, वो मेरे जीवन में जब नई अपॉर्चुनिटी आई उस समय मुझे जाना था, है ना, अपने सपनों को साकार करने के लिए। उस मेरे अंदर पैशन था सपनों को साकार करने के लिए, मुझे सिर्फ अपना फ्यूचर दिख रहा था उस समय, बाकी कुछ नहीं दिखा था। और मैंने इस वजह से अपने पार्टनर को धोखा दे दिया, अपने पार्टनर को तकलीफ दी, उसको, उसके साथ मैंने ब्रेकअप कर लिया। मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, और मैंने सोचा भी था उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, हम दोनों का फ्यूचर ऐसा होगा वैसा होगा, हर एक चीज़ मैंने प्लान किया हुआ था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे बीच में जो मेरे पास मेरे जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आई ना, उससे मैं कहीं मैनेज नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा सपना था कि मैं लाइफ में ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे मैनेज करूँगा, वैसे मैनेज करूँगा, सब कुछ देखा था मैंने, सब कुछ किया था मैंने, मैं सिर्फ उसके लिए जो भी है अपने दिल में वो उसे दिखाना चाहता था, लेकिन मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ सकता था, मेरी भी मजबूरी समझो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, और इस वजह से इन्होंने उस समय डिसीज़न लिया आपको चीट करने का, यानी कि चीट नहीं किया इन्होंने, इन्होंने बस आपके साथ रिलेशन अचानक से तोड़ दिया बिना कुछ बोले। अब क्या हो रहा है, अब इनको हो रही है अचानक से बेचैनी कि नहीं, माना कि उस समय रिलेशन तोड़ दिया था, उस समय छोड़ दिया था, लेकिन उस समय की बात अलग थी और अब की बात अलग है। अब तो उसे भी समझना होगा और मुझे भी समझना होगा, ठीक, उसे भी समझना होगा और मुझे भी समझना होगा कि क्या कुछ हो सकता है। मैं इतना ज़्यादा तकलीफ में हूँ और इतना ज़्यादा दर्द में हूँ कि मेरी जो एनर्जी है ना, मैं एकदम से लगता है जैसे कि मैं ख़त्म सा हो गया हूँ, ऐसा मुझे फील होता है, मुझे लगता है कि मैं ख़त्म सा हो गया हूँ, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं धीरे धीरे करके उससे प्यार करने लगा, धीरे धीरे करके मुझे उसकी जब याद आती है तो सच में मेरा दिल भी रोता है, सच सच बोल रहा हूँ, मेरा दिल भी रोता है उसके लिए। मेरे दिल में उसके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, आज भी हैं। उस समय मेरा कुछ अलग मैटर था इसलिए मैं छोड़ के चला गया, और अब मैं जो है फिर से उसके साथ आना चाह रहा हूँ, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा हूँ। मुझे उसके साथ, मुझे लगता है कि वो मुझे मौका देगी या देगा, और उसकी लाइफ में मुझे एंट्री मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके दोस्त ने इनको क्या कहा है, क्योंकि दिल तोड़ना एक बहुत, एक लोग दिल क्यों तोड़ते हैं यार, बहुत बहुत गलत है ये, है ना। उफ, दिल तोड़ना है तो प्यार ही मत करो। देखो द लवर्स का कार्ड आ गया, दिल तोड़ना है प्यार ही मत करो, हिम्मत नहीं है प्यार ही मत करो, क्या बोलो मैं गलत कह रही हूँ तो। सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, एंड है मेरे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। नंबर सिक्स के ज़्यादा नंबर्स आए हैं, मतलब कि कार्ड्स आए हैं, तो ये अच्छी बात है, सक्सेस का कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं, आपके जो पर्सन इनके दोस्त बोलते हुए दिख रहे हैं कि देख तू प्यार करता है वो प्यार करती है, तू उसके साथ अटैच है वो तेरे साथ अटैच है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खा
रहे हो या खा चुके हो, ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा ख्याल भी रखना चाहिए, क्या कि अब तू उससे नो कांटेक्ट में है, अभी तू कांटेक्ट में तो है नहीं, नो कांटेक्ट में है, तूने उसके साथ गलत किया है, गलत किया है। और अब क्या है, नो कांटेक्ट में जाने के बाद हो सकता है कि उसके पास कोई और भी हो, तुझे क्या पता कि उसकी लाइफ में कोई और आया है, कोई नहीं आया है, या क्या है उसकी लाइफ में, तुझे पता है, तुझे पता होना चाहिए था, लेकिन तुझे पता नहीं है। तू पहले पता कर, वरना तू वो अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ गई होगी तो उसने बहुत अच्छा किया होगा, बहुत अच्छा किया होगा, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया होगा, ठीक है। और सब कुछ जान समझ उसके बाद तू उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर, उसके साथ माफ़ी मांग कि हाँ मैंने गलती करी है, मुझे माफ़ कर दो, और तू बता कि तू उसे कितना प्यार करता है, ठीक, तू बता कि तेरी लाइफ में उसके जाने के बाद या तेरे दूर चले जाने के बाद कोई और नहीं आया है। तू पहले क्लियर कर, उसके बाद ये सारी बातें होंगी, ठीक है। तू पहले क्लियर कर कि क्या मैटर है, क्या नहीं है, पता कर कि हाँ वो अभी भी सिंगल है या नहीं है, उसके बाद हो सकता है कि उसकी शादी की बात चल रही हो, उसके पेरेंट्स कर रहे हो, फिर क्या करेगा, है ना। इससे अच्छा है पहले पता करो, उसके बाद देखो, ईश्वर तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो जरूर साथ देंगे, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।